ये सेल्वी रॉकेट है पूरा, रुका लिया मुंह मुंह उसके अंदर, चल हट जा तुझे मम्मी। हाँ उसे ताकू, ये हमारी मम्मी शर्मा रही है। हाँ वीरू के तका या ये दोनों लोग इसरो पे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों हमारे घर के दो सदस्य आज इसरो पे गए हैं। इधर देखो या रुक जाओ, ये और थोड़ा सा मुंह उधर करो। हाँ हेलो दोस्तों, एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारी माता जी का इलाहाबाद में दूसरा दिन है, तो आज हम उनको लेके चल रहे हैं इलाहाबाद का तारामंडल घुमाएंगे, यानी कि आनंद भवन जिसको मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने बनवाया था। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं आप तारामंडल। आज़ादी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने खरीदा था, बाद में सरकार को दे दिया था। अब चलिए अंदर, इसे तारामंडल भी है, अंदर आपको दिखाते हैं। फिर वहाँ से एंट्री होती है, ये पूरा पार्क है, और इसमें हमारे जो मोतीलाल नेहरू जी थे वो रहते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब छोटे थे तो इसी में स्टडी करते थे। ये चलिए अंदर से दिखाते हैं आपको, ये ऊपर तक है, अंदर भी है। ये देखिए, इस भवन में नेहरू परिवार की स्मृति सर्वदा उसी प्रकार समाविष्ट है जिस प्रकार लोगों के हृदय में उन्होंने सेवा की है। ये देखिए, ये उस समय का है, और इधर आ गया उनका स्टडी रूम। देखिए इसमें वो लोग अपना, यहाँ पे नेहरू जी स्टडी करते थे, और यहाँ पे चाय वाय पीते थे इसमें। मोतीलाल नेहरू का अध्ययन कक्ष, देखिए ये है मोतीलाल नेहरू का अध्ययन कक्ष। इसमें मोतीलाल नेहरू जी अपना स्टडी करते थे, और उसके बाद इसी में कविताएं सविताएं सब बैठ के लिखते थे। और आपको पता है कि वो बहुत बड़े वकील भी थे। यहाँ लिखा है धूम्रपान निषेध, तो यहाँ पे धूम्रपान करना मना है। मोतीलाल नेहरू यहाँ रहे, यहाँ पे वो रहते थे। ये मोतीलाल नेहरू जी का बिस्तर है, यहाँ पर भी थोड़ा मोड़ा कभी कभार पढ़ने करते थे। ये उनकी किताबें हैं सारी। अंग्रेजों का टुकड़ा है ये, देखिए मोतीलाल नेहरू जी की तस्वीरें हैं। चलो, यहाँ इंदिरा गांधी तथा फिरोज गांधी का विवाह संपन्न हुआ, यहीं पे इंदिरा गांधी का विवाह हुआ, इसी जगह। ये देखिए
यहाँ पे भी बिस्तर है, उनके बच्चे लोग रहा करते थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। अंदर देखिए चेयर वेयर लगी है, पहले सब कुछ देखिए कितना मस्त लग रहा है अंग्रेजों के ज़माने का। यहाँ थूकना सख्त मना है। देखिए इसमें चाय वाय पीते थे लोग, ये उनका किचन था, एक छोटा सा किचन था उनका, और ये यहाँ पे वो लोग खाना वाना खाते थे अपना। देखिए पूरी टेबलें लगी हैं। ये देखिए यहाँ पे वो लोग रहते थे, जैसे उन लोगों की कोई मीटिंग वोटिंग होती थी, यहाँ पे वो लोग मीटिंग करते थे अपना। और वो देखिए मोतीलाल नेहरू जी है। दोस्तों आपको बता दें कि वो एक बैरिस्टर भी थे, उस समय के बहुत बड़े वकील थे। ये देखिए फैन लगा है उस समय का। ये देखिए पार्क का नज़ारा है अंदर का। देखिए उसमें जाएंगे तो उसमें भी सारी तस्वीरें पहले की हैं, जो उन्होंने उस समय के सारे कार्य किए हैं आज़ादी के समय के, इंदिरा गांधी का, और उसी में लाइब्रेरी भी है। तो आइए फटाफट इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। अरे भांजे को प्यास लग गई है, तब तक इसको पानी पिला दें। और इधर महिलाओं का शौचालय है और उधर पुरुषों का शौचालय है। तो आप लोग आएँ तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था भी है और यहाँ पे आप पानी पी सकते हैं। देखिए सब अंग्रेजों के ज़माने का लगा हुआ है, सब अंग्रेजों के ज़माने का है पेज। और यही वो आनंद भवन है, देखिए इसी में वो लोग रहते थे। देखिए पूरा सन 1905 में मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी अपने 15 साल की बेटी को इंग्लैंड पढ़ने के लिए लेकर गए। ये उस समय का है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे। देखिए वहाँ का फोटो है। कुछ तो बहुत बड़ा है, आप लोगों को बताएंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा, इसलिए बस ऐसे देख लीजिए। ये देखिए उनका पूरा परिवार है। ये मोतीलाल नेहरू है मूंछ वाले, ये है स्वरूप रानी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की माँ है, और ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बगल में, और ये हैं हमारी इंदिरा गांधी जी, और ये है देखिए ये उनके बच्चे उच्चे लोग हैं, उनकी बहन भी हैं, और ये उनकी पत्नी है। देखिए उस समय जितने भी उन्होंने काम किया है सभी का इसमें जिक्र है। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखिए इसे सब, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से मिल रहे हैं उस समय का है। देखिए ये जो उस समय की सभाएं होती थी, सभाओं में देखिए कितनी जनसंख्या है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये गांधी जी हैं। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अमृतसर के दौरान ली गई तस्वीर, ये अमृतसर के दौरान ली गई तस्वीर है कि ये झंडा फहरा रहे हैं दिल्ली में कब का है। देखिए इतनी जनता थी उस समय, सोचिए अब क्या जनसंख्या है। दिल्ली में झंडा फहराते हुए मोतीलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली का लाल किला दिखाई दे रहा है। देखिए सब सब उसमें का, ये जितना फोटो है सब है पूरा। देखिए
ये बाहर ये हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। जवाहरलाल नेहरू ऑन ऑटोबायोग्राफी, ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी है। नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू, ये जब नैनी सेंट्रल जेल में बंद थे तो वहाँ की उनकी तस्वीर है। ये बंदीगृह के दौरान जो बंदीगृह देहरादून की है, ये देखिए ये जेलें हैं, कहाँ कहाँ की जेलें हैं, कौन कौन सी जेलें हैं पूरा है। ये देखिए नेहरू जी और उनकी पत्नी, और ये हैं राजीव गांधी उनके बेटे। ये लाहौर अधिवेशन का है 1929, जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी लाहौर अधिवेशन का, वहाँ पर देखिए पिता और पुत्र दोनों लोगों ने वहाँ इलाहाबाद के संगम पर देखिए वो स्नान कर रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें हैं। देखिए ये उस समय है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर सन 1947 में राजधानी दिल्ली आ गए और इंदिरा गांधी उन्हें घर व्यतीत करने में उनकी मदद कर रही है। देखिए ये इंदिरा गांधी जी हैं। दोस्तों अंदर भी, इसके अंदर भी अभी है इंदिरा भवन, लेकिन वो अभी बंद है, उसमें एंट्री नहीं है क्योंकि गेट पे लॉक लगा हुआ है। ये मोतीलाल नेहरू का आनंद भवन था, और वो है जब वो आनंद भवन को सरकार को दे दिए थे तो उसके बाद उन्होंने वो जब उन्होंने दोस्तों जब उन्होंने ये आनंद भवन सरकार को दे दिया था गवर्नमेंट को, तब उसके बाद उन्होंने वो इंदिरा भवन लिया था इसके बगल में ही, फिर वो उसमें रहने लगे। बाद में पता चला कि वो भी उन्होंने सरकार को दे दिया। तारामंडल, अब हम चलेंगे इसी में और तारामंडल घूमेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे शो चलता है, शो वाई चलता है, तो देखेंगे, कोशिश करेंगे दिखाने का, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएंगे तारामंडल पूरा, दिखा सके तो ठीक है, नहीं तो आप बुरा मत मानिएगा। और यहाँ देखिए रॉकेट है, और ये देखिए तारामंडल, इसके बगल में इधर टिकट मिलता है, और ये देखिए रॉकेट, ये नकली है, ठीक है, ये पीएसएलवी है, पीएसएलवी भारत, पीएसएलवी भारत है। ये पीएसएलवी रॉकेट है पूरा, रुका लिया दोस्तों, ये अंदर तारामंडल के बगल का पार्क है, तारामंडल में का, और यहाँ से तारामंडल स्टार्ट होता है अंदर जाने के लिए, और यहाँ पे टिकट कटता है। अभी लग रहा है कि टिकट नहीं कट रहा है, सभी लोग घूम रहे हैं, टिकट कटेगा तो वहाँ पे भीड़ हो जाएगी। दोस्तों यहाँ से टिकट कटता है तारामंडल का, यहाँ पे देखिए यहाँ से प्रवेश होता है तारामंडल में, और यहाँ पे समय लिखा है कितने कितने बजे से शो होता है, ये संडे का शो है, और बाकी समय ये 40 रुपये स्कूल समूह छूट, 40 रुपये प्रति छात्र है। देखिए और यहाँ से टिकट कटता है, आइए पता करते हैं टिकट कट रहा है कि नहीं। तो टिकट अभी नहीं कट रहा है, गेट बंद है, 70 रुपये टिकट है, 3 फीट लंबाई तथा उससे ऊपर के बच्चों का फुल टिकट है।
देख लीजिए जो 3 फीट लंबे बच्चे हैं, तो लग रहा है हम लोग बच गए क्योंकि हमारा पंजा अभी छोटा है, 3 फीट का नहीं है, तो इसका टिकट तो नहीं लगेगा। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, टिकट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। यहीं से एंट्री है, अब देखिए कब टिकट कटता है। तो वो भी लेके चलो दोस्तों, देखिए 4, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे, और 10 बजे से भी स्कूल स्टार्ट है और सोमवार को छुट्टी रहती है। तो जो लोग भी सोमवार को आना चाहते हैं तो सोमवार को आप लोग नहीं आए क्योंकि सोमवार को बंद रहता है। तो अभी 2 बजने वाला है, फिर 2 बजे हम लोग टिकट लेंगे, फिर यहाँ से अंदर चलेंगे, यहीं से एंट्री होती है, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे अंदर का नज़ारा। ठीक है, अंदर मोबाइल अलाउ है लेकिन तारा मंडल के अंदर नहीं अलाउ, क्योंकि उसमें शो चलता है, ऐसे जो थिएटर वगैरह चलते हैं वैसा शो चलता है, तो उसमें दिखाई नहीं देता है। और यदि आप लाइट दिखाएंगे तो वहाँ पे उसमें आता नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये हम लोगों ने 3 टिकट ले लिया है, हमारे छोटे भांजे का फ्री है, तो इसका टिकट नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ये अभी 5 साल से छोटा है, 3 फीट से छोटा है। तो बस अब चलेंगे अंदर और शो देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये देखिए इसरो, इसरो का है, इसको पहन के इसरो पे जाया जाता है। चलो मैं खिंचाऊँ जोची मुँह मुँह उसके अंदर, चलो हट जा जो मम्मी। हाँ वो जी ताकू, ये हमारी मम्मी शर्मा रही है। हाँ बीरू के तका, या ये दोनों लोग इसरो पे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे घर के 2 सदस्य आज इसरो पे गए हैं। इधर देखो, या रुक जाओ, और थोड़ा सा मुंह उधर करो। हाँ चलो, ये सब आकाशगंगा का पूरा बना हुआ है, अंदर पूरा आकाशगंगा का बना है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ मशीनें हैं जो सीखी हुई है, हम लोग को समझ में तो नहीं आ रहा है। टर्बिंग वेल्डिंग, ब्रह्मांड में हमारा स्थान कहाँ है ये दर्शाया गया है। देखिए ब्रह्मांड में हमारा स्थान कहाँ पे है ये उसको बता रहा है। ये है जो वो है आकाशगंगा के बीच में होता है ब्लैक होल, ये ब्लैक होल है। देखिए ये पृथ्वी से यहाँ पे यान छोड़ा गया है, इंडिया वाला जो है PSLV इंडिया लॉन्च किया गया वो है। ये देखिए पृथ्वी है, स्टर्न द लॉर्ड ऑफ रिंग, स्टर्न इट्स रिंग एंड सैटेलाइट्स। ये लाल ग्रह मंडल का पूरा चित्र दर्शाया गया है, ये लाल ग्रह मंडल का है। यहाँ पर देखिए हमारा जितना ग्रह है वो सब, सारे ग्रह है और ये ग्रह का ये सब ग्रह है। सन एंड स्टार्स, ये सब तारे और ये सब सन एंड स्टार्स, और उधर सन एंड प्लैनेट्स यानी सूर्य से कौन सा ग्रह कैसे कैसे है वो सब दिया। ये जुपिटर है सबसे बड़ा ग्रह हमारा होता है, उसके बाद सैटर्न है, शनि है, फिर यूरेनस है, नेपच्यून है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, वीनस, मार्स, मरकरी और मून। तो ये अंदर का नज़ारा है, ठीक है तारामंडल के, इसके अंदर यहाँ पे अंदर लगता है हम लोगों का तारामंडल का शो चलेगा, उसमें अभी एंट्री होगी, फिर उसमें मोबाइल अलाउ नहीं है तो उसको आप लोग को दिखा नहीं पाएंगे, कोशिश करेंगे दिखाने का, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये आनंद भवन है,
26 जून 2020 कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र का शहर जो हरियाणा राज्य में है, जहां एक अनूठा सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। ब्रह्म सरोवर जो धार्मिक समारोह के लिए एक जलाशय है, ग्रहण के समय उसमें हजारों लोग पवित्र डुबकी लगाते हैं। ये ग्रहण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मनुष्य ग्रहण से क्यों डरते हैं, आकाशीय पिंड क्यों लुका छिपी करते हैं, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए हम रात्रि आकाश का अवलोकन करते हैं।